तो कल की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी, आज की वीडियो में आपने ज़रूर बताना। और बस मेरा बहुत ज़्यादा गला ख़राब हो गया है रात का, तो पतरस आज कर रहे हैं घर की सफाई। हेलो पतरस। हेलो वीवर्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। तो हम लोग भी खैरियत से हैं, आपकी दुआओं से ठीक हैं। तो जो बहन भाई इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे, लाइक कर रहे और बेल आइकन का दबाना मत भूलिए, क्योंकि हर आने वाला व्लॉग आप तक पहुँचता रहे। तो और सब बहन भाई ठीक ठाक हैं? तो मैं बेस्टी जो बेडशीट है वो भी बच्चे शाम के 6 बज गए हैं अभी बस। तो अभी बाहर हमने चारपाइयाँ रख ली थी, तो हमने सोचा कि कमरे की सफाई कर ले, बहुत ज़्यादा कमरा हाँ जी। तो जैसे ही मंगनी से काफ़ी मेहमान भी आए थे, फिर वो रश काफ़ी हो रहा था, तो उस टाइम मैं आपके साथ व्लॉग को शेयर नहीं कर सकी। तो रबीना भी रात को हमारे घर पे आ गई थी, तो अभी वो जाने लगे अपने घर पे। तो विवर्स वो रात के बाजी रबीना इधर रुकी हुई थी, बच्चे भी उनके इधर रुके हुए थे, तो अभी वो जा रहे हैं अपने घर जा रहे हैं, क्योंकि सुबह बच्चों ने स्कूल जाना है। सुबह दिया लिश्का और मैरी भी स्कूल जाएंगी, और सुबह पतरस भी काम पे जाएंगे, तो मैं भी काम पे जाऊँगा। तो आपने दुआ में याद रखना है हमें, तो हम लोग भी बहन भाइयों को दुआओं में याद रखते हैं। हाँ जी, तो अभी ये देखिए उन्होंने सारी गद्दियाँ गुद्दियाँ नीचे फेंकी थी जी, बच्चे इधर खेल रहे थे, तो फिर वो सारा कुछ उन्होंने नीचे फेंक दिया। तो अभी पतरस ने फरनैल वाली टपरी लगाई है, पोछा मतलब लगाया है, तो उसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और घर आज आपको नीट क्लीन लग रहा होगा, जिस दिन पतरस सफाई करते हैं उस दिन घर हमारा बहुत साफ होता है। बस तो जब मैं करती हूँ बस, तो तब थोड़ा सही नहीं होती सफाई, इतनी नहीं, बहुत अच्छी करती है। तो अभी बस ये देखिए, अभी मेरी तसली वाली नहीं हुई अभी, क्योंकि मेरे पास डस्टर नहीं है, तो मैं अभी डस्टिंग करूँगा। ये फ्रेम जो लगे हुए इनको साफ करूँगा, जो मट्टी इनके ऊपर पड़ी होती है ना, ये फिर जो टाइलें ना ऊपर देखे ज़रा अभी बस, ये देखिए इनके दरमियान में से मट्टी करती है, तो फिर वो सारा कमरा जो मिट्टी वाला हो जाता है, जब तेज आंधी आती है तब भी तो बुरा हाल हो जाता है। तो बस गला इसलिए खराब हो गया, हमने रात तक खा लिया था कुल्फा, तो इतना नहीं बस खाया कि मतलब कि थोड़ा थोड़ा लिया था मिट्टी के मुताबिक, लेकिन मेरा गला खराब हो गया जी। तो बच्चों ने खाया था, तो अभी हम अपना काम पैनल कर ले। तो मैं व्लॉग बनाती हूँ, पता बस ये नहीं कि मैं आपको दिखा रही हूँ तो नहीं, वो मेरे साथ पूरी मतलब के काम में हेल्प करवाते अगर घर हो तो। तो सुबह पतरस काम पे जा रहे हैं, तो सुबह में खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो सुबह सुबह चले जाएंगे तकरीबन 7-7:30 बजे तक, बच्चों को स्कूल छोड़ के फिर वो उधर से ही काम पे चले जाएंगे। तो मैक आई थी, मैक जा रही है आज घर, तो मैक आज घर जा रही है। मैक पे इधर बहुत मज़ा आता है जब हमारे पास आती है, फिर बच्चों के साथ वो खेलती है, तो हर मैक हमने तेल भी लगाया था घर में, है ना मैक? मैक लगवाती ही नहीं है, लेकिन हमने ज़बरदस्ती लगाया था। तो दिया भी इधर पीछे है। अरे वैसे के तुमको भी फिकोगे, और आज भी वैसे मेरे पापा ने बहुत अच्छी सफाई की है, और मामा का मामा धो देंगे जब मैं धो दूँगी बर्तन, ठीक है थोड़े से ही हैं, ज़्यादा तो नहीं, मैं खुद ही धो दूँगी। तो इसके बाद फिर हम क्या करेंगे? वो हाँ, तो आज भी बस मैंने बनाई थी भिंडी, जो मतलब ये ख़त्म हो चुकी है, ये थोड़ी सी पड़ी हुई है, क्योंकि भिंडी थी आपको पता है कि जो मतलब कि भुना हुआ सालन होता है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो रुबीना ने लिए थे करेले, जो घर लेके जाने इसने इधर सब्जी बनाया था, तो फिर रुबीना ने इधर से सब्ज़ी ले ली, तो कह रही थी मैं घर जा कर बना लूँगी, मुझे काफ़ी इधर से मतलब कि लेट हो जाएगा, तो फिर मुझे सब्ज़ी वाला उधर कोई नहीं मिलता, तो मैं घर जा कर बना लूँगी। तो वो फिर इधर से उसने ख़रीद ली, तो वो फिर घर जाने लगी है, तो फिर जा कर बनाएगी सब्ज़ी। तो बाकी ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, अभी बिकनी पड़ी हुई, हमने किचन साफ़ नहीं किया, तो किचन साफ़ करने लगे हैं। तो इधर निश्वा का गर्मी के साथ बुरा हाल हुआ पड़ा है। हाँ जी बस, अभी तो हाथ हो रही है निश्वा की, रात की तबीयत खराब है इसकी, आंखों से आपको पता चल जाएगा, बुखार और जुकाम हुआ है इसको। तो आपको फंक्शन वाली वीडियो कैसी लगी? आपने अभी तक कमेंट में बताया नहीं, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो जो मौसम के लिए हमने लड़की मतलब है ढूंढी है, तो वो आपको कैसी लगी आपने वो भी हमें कमेंट में बताना है। तो मौसम कल का बहुत ज़्यादा खुश है, तो मैं आपको मिलवा नहीं सकी, क्योंकि हम काफ़ी लेट आए थे, तो वो सो रहा था, तो इस वजह से फिर मैं आपकी बात नहीं करवा सकी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। तो बाकी
मतलब सभी भाई से सफाई कर रहे हैं, तो आ जाए गुजर जाए। तो रवीना कह रही मैं अभी लॉक में नहीं आ रही, तो क्या करियो, नहीं करो ना। तो मैं जो है वो जो डक का बच्चा है उससे बहुत ज़्यादा डरती है, और दिया उसके ऊपर टैंक रही, ऐसे नहीं करो दिया। तो बाकी बस अंदर का पैनल काम पतस कर गए हैं, कमरे का डस्टिंग उसकी रह गई है, वो डस्टिंग भी करेंगे अभी। तो बाकी आपके साथ हम वीडियो को भी शेयर करेंगे, और मतलब साहब भी बस को कुछ कहना चाह रहे हैं। तो हाँ जी बस रात को हम लोग आए दो से लेट, काफ़ी हाँ जी 2:30 बजे का टाइम हो गया था रात को। फिर काफ़ी बातें वगैरह करते रहे बाजी बिना के साथ, जो पुरानी की बचपन की बातें थी वो करते रहे, तो फिर अपनी शादी की बातें करते रहे, फिर वो ऐसे ही। और हम भी बस आपके साथ शादी की भी, जो हमारी शादी की बातें हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में आपने बताना है कि वो कब हम शेयर करें, आज के कमेंट में आपने ज़रूर बताना है। तो हम अपनी पूरी स्टोरी आपको बताएंगे कि किस तरह हमारी शादी हुई, शादी हुई तो किस तरह हम। हाँ जी, और हंसी वाली बात भी है और थोड़ी सी हाँ जी परेशानी भी बात भी है। तो बस आपको वो लोग बहुत पसंद आएगा, तो वो लोग आपने मुझे बताना है कि मैं वो लोग आपके लिए कब बनाऊं, मतलब कि ये इसके ये वीडियो के बाद बनाऊं या उससे अगली वीडियो पे आपने इंतजार जरूर करना है, तो आपने मुझे कमेंट में जरूर बताना है। तो वो वाला जो व्लॉग होगा वो बहुत मजेदार होने वाला है, क्योंकि उसमें थोड़ा हंसी मजाक है। हंसी मजाक ये है व्यूअर्स के वो हाँ मैं तभी शेयर करूंगी, अभी नहीं मैं करना चाह रही। तो व्यूअर्स वो वाला व्लॉग आपने गौर से देखना है, तो हाँ उसमें से बहुत सी बातें समझने को भी मिलेंगी, और हंसी वाले भी मिलेंगी, गम वाले भी मिलेंगी, सारी बातें आपको मिलेंगी अगर आप लोग चाहेंगे तो। हाँ जी, अगर आप मुझे आज वाली वीडियो में बताएंगे कि आप हमारे लिए ये व्लॉग बनाएं तो फिर मैं बनाऊंगी। तो प्लीज हमें बताया करें कि हम आपके मतलब के मैसेज के हिसाब से व्लॉग बनाएंगे, तो आप प्लीज हमें अच्छे अच्छे कमेंट किया करें और अच्छा अच्छा मशवरा दिया करें। तो आज का व्लॉग आपको जरूर पसंद आएगा। तो रजिया पानी तो व्लॉग में, तो व्यूअर्स गर्मी आस्ता आस्ता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, शुक्र है खुदा का अगर रात को जो है थोड़ा सा ठंडा हो जाता है मौसम, लेकिन दिन का टाइम निकालना तो बहुत मुश्किल है। तो बर्फ़ जो फ्रिज है वो आज काम करना छोड़ दी है, वो बर्फ़ नहीं बना रही। बाजार से जो बर्फ़ मंगवाते हैं हम लोग, तो वो जो बर्फ़ मंगवाते हैं उसके साथ रिवर्स बच्चों के पेट खराब हो जाते हैं, वो बर्फ़ सही नहीं होती। तो दुआ करें कि हमारे जल्दी जल्दी हालात ठीक हो जाए, तो हम एक नई फ्रिज भी लेके आए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी है और ये अब जो है ना बहुत ही ज़्यादा तंग कर रही है। 2 दफ़ा हमने ठीक भी करवाई है, तो अभी भी ये बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। तो अभी जो है ना ये देखें, एक साइड पे इसकी कूलिंग होती है तो एक साइड पे नहीं होती, ये आप देख ले इधर बर्फ़ है तो इधर नहीं होती, तो ये बहुत मुश्किल हो रहा है कि पानी भी ठंडा नहीं हो रहा, तो बहुत मुश्किल हो रही है बस। तो ये बहुत ही पुरानी है, ये नई नहीं है, काफ़ी पुरानी है ये। जिधर मैं जॉब करती थी तो मैंने उधर से ये ख़रीदी थी, तो अभी इसको काफ़ी अच्छा हो गया, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा तंग करने लग गई है। तो आपने दुआ में याद रखना है कि खुदा मेरे हालात जल्दी जल्दी ठीक कर दे, और मैं नई फ्रिज लेके आऊँ, तो जब मैं लेके आऊँगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो कल भी बस मैं घर पे ही सिंपल सा तैयार हुई थी, क्योंकि मैं मतलब के पार्लर में जाने के लिए इतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो इस वजह से मैं सिंपल सा घर पे तैयार हुई थी, और बच्चों को भी मैंने घर पे तैयार किया था। तो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, ये भी आपने मुझे बताना है। अच्छा लगा मैं आज बोल रही, अच्छा लगा था। तो बाकी आज का व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आएगा, पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि हर आने वाला नया व्लॉग आप तक पहुँचता है। हाँ जी, तो एक नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब के लिए खुदा हाफिज़।